स्टम पार्टी कार्यालय पैंथर पार्टी कार्यालय के बाहर आप देख सकते हैं, जिस तरह आज एक सुबह दुखद समाचार आया कि जो प्रोफेसर भीम सिंह है, जो वरिष्ठ नेता थे पैंथर पार्टी के, आज उनका सुबह निधन हो गया और पिछले कई दिनों से वो बीमार चल रहे थे और मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज चल रहा था। आज सुबह ही उसने आखिरी सांसें ली और दम तोड़ दिया। उस टाइम उनको पैंथर पार्टी के कार्यालय में लाया गया है और वहाँ पे रखा गया है कि जो भी जो वरिष्ठ नेता आएंगे उसको भव्य श्रद्धांजलि देंगे। हम आपको इस टाइम जो पैंथर पार्टी की है वो लाइव तस्वीरें जो उनका पार्थिव शरीर है आप देख सकते हैं, यहाँ पार्टी कार्यालय में रखा गया है। ये आप देखिए पार्थिव शरीर जो जलमीरिया साहब, ये पार्थिव शरीर जो उनका पार्टी कार्यालय में रखा गया, जो अक्सर जहां बैठकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे और बैठा करते, आज वही पार्टी जी उनको पैंथर पार्टी उनके डेथ होने के बाद वहां पे लाया गया है, उसी कमरे में रखा गया है और उनके जो परिजन हैं वो भी लाभ करते हुए जो कांग्रेस के देखिए इस टाइम प्रोफेसर भीम सिंह का जो आज सुबह जो दुखद समाचार है उनका निधन हो गया। वो पिछले कई दिनों से मेडिकल कॉलेज में दाखिल थे, बीमार थे। आप कह सकते हैं जिस तरह से जो प्रोफेसर भीम सिंह जी हैं, एक अपना नाम थे जम्मू कश्मीर की राजनीति में और चाहे वो जुडिशरी में जलमीरिया साहब दिखूंगा पैंथर पार्टी के एमएलए भी रहे, उनकी इलेक्शन लड़े गए एडवोकेट जलमीरिया साहब से हम बातचीत करने की। जलमीरिया साहब बताएंगे कितना बड़ा लॉस हुआ आज पैंथर पार्टी को, एक वरिष्ठ नेता जो चला गया है, किस तरह से पैंथर पार्टी को तो बहुत बड़ा लॉस हुआ है, क्योंकि ये पैंथर पार्टी के फाउंडर भी थे, इस वक्त प्रेसिडेंट भी थे, और मगर सबसे बड़ा जो लॉस हुआ है वो जम्मू कश्मीर के अवाम को। इन्होंने जम्मू कश्मीर की आवाज़ असम्बली में भी उठाई, पूरे देश में उठाई और यूएनओ तक उठाई, अरब कंट्रीज में उठाई, तो इंटरनेशनल पैमाने पे इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। मोटरसाइकिल लेके सारी दुनिया में घूमे, तो ऑलवेज फाइटर है और बहुत सारे मुद्दे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, तरह जो भी फोरम इनको अवेलेबल हुआ उसी फोरम पे इन्होंने लोगों के लिए लड़ा और बहुत सारे उन संघर्षों में हम साथ साथ थे, अदालतों में हम इकट्ठे लड़ते रहे और स्ट्रीट पे भी, ग्राउंड पे भी इकट्ठे लड़ते रहे, तो इनकी बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसेस हैं जो भुलाई नहीं जाएंगी कभी, आइंदा दुनिया तक याद रहेगा। भीमसेन जी के लेवल का कोई दूसरा नेता
जम्मू कश्मीर में पैदा होना